बॉबी देओल दी पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम दा तीसरा सीजन रिलीज दे लई पूरी तरह तैयार है। हाल ही दे विच सीरीज दा ट्रेलर रिलीज कीता गया सी जिसनु काफी चंगा रिस्पांस मिलिया। वेब सीरीज आश्रम दा निर्देशन समाजिक अते राजनीतिक मुद्दियां ते फिल्म बनाउण वाले डायरेक्टर प्रकाश या ने कीता। तुहानू दस दईए कि हाल ही दे विच इस सीरीज दे लई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई जिस दौरान आश्रम दे बारे गलबात कीती गई। तुहानू दस दईए कि प्रकाश ने हैरान होंदे होए आश्रम दी तरह बॉलीवुड दे विच मौजूद बाबा निराला दा नाम दा भी खुलासा कीता। हाल ही दे विच मुंबई दे विच जूहू स्थित 5-स्टार होटल दे विच रखी गई एमएक्स प्लेयर दी सीरीज एक बदनाम आश्रम 3 दे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच डायरेक्टर प्रकाश झा तो पुछा गया कि आश्रम दे पहले सीजन दे विच उन्हां खिलाफ FIR दर्ज कीती गई सी ते हुण दे सीजन दे विच उन्हां ते स्याही सिट्टी गई। अजिहे विच लगातार हो रहे हंगामे तो उह डरते भी ने। इस ते प्रकाश झा कहिंदे ने कि आश्रम दे बारे विच अजिहा है कि किते भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है क्योंकि असी विशा ही अजिहा चुनिया जो समाज दा विच है, लोकां दे नाल संबंध रखता है, लेकिन इत्थे किसी एक व्यक्ति या कल्पना दी कहानी नहीं है अते मैं कहूंगा कि मैनू डर नहीं लगता, यह भी गलत गल है, लेकिन डर दे विच जीना चंगा नहीं लगता तो उस दे नाल ही जीना चाहुंदा हां। आश्रम दी गल करिए तां आश्रम दे विच बॉबी देओल बाबा निराला दा रोल अदा कर रहे ने। अजिहे विच उन्हां ने भी काफी गल्लां बातां कीतियां। जी हाँ, तुहानू दस दईए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा दे इलावा दर्शन कुमार, अध्ययन सुमन, सचिन श्रॉफ, राजीव सिद्धार्थ, त्रिशा चौधरी, अनुप्रिया अते एमएक्स प्लेयर दे CEO गौतम तलवार भी मौजूद रहे। वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम 3 एमएक्स प्लेयर ते 3 जून तों स्ट्रीम कीती जाएगी जिसनू लैके लोग काफी एक्साइटेड ने। जब भी जहां भी लोग मिले और देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपका आश्रम, तो ये पॉजिटिव बात हो ही गई ना। नहीं, किसका लाइफ मतलब वो बिलीव कर रहा था कुछ बच गया है वो। मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसका लाइफ कैसा था और नहीं, कैसा नहीं, बदल गया। कोई मतलब उस रॉन्ग वे में गया हो और ये वेब सीरीज देख के उसने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, मतलब ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट आपको किसी ने बताया? नहीं, मुझे ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो अनुभव हुआ वो रिलेट कर पाया उस अनुभव से जो जिंदगी में आसपास देखते हैं, समझते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस अनुभव को वो समझ पाए। कई बार क्या होता है, चीज़ें हम देखते हैं, हम चकित रह जाते हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो समझ में नहीं आता। आश्रम क्या है, आश्रम की चूँकि कहानी ऐसी पसरी हुई है, फैली हुई है, तो उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्या उसके असर हो सकते हैं, उसके ताने बाने को आप समझते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं। हेलो, तो ऐसा तो हुआ ही है, लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे लोगों ने कि अच्छा ऐसा होता है तो समझ में आया, अवेयरनेस हुआ है। जी,